यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 42। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसकी उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों महलों में छज्जे थे और कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था और कोठरियों के द्वार उत्तरों की ओर थे और ऊपरीली कोठरियां छोटी थी अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी क्योंकि वे तीमहली थी और आंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरीली कोठरियां निचली और बीचली कोठरियों से छोटी थी और जो भीत कोठरियों के बाहर उनके आसपास थी अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी उसकी लंबाई 50 हाथ की थी क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियां 50 हाथ लंबी थी और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी और इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था जहां लोग बाहरी आंगन से इनमें जाते थे। आंगन की भीत की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियां थी और उनके सामने का मार्ग उत्तर की कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार के से थे और दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था अर्थात पूर्व की ओर की भीत के सामने जहां से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियां जो आंगन के सामने है वे ही पवित्र कोठरियां हैं जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्नबलि और पाप बलि और दोष बलि वही रखेंगे क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यो ही न निकलेंगे अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे क्योंकि ये कोठरियां पवित्र है। तब वे और वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। जब वह भीतरी भवन को माप चुका तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी अलंग को मापने के पास से मापकर 500 बास का पाया। तब उसने उत्तरी अलंग को मापने के पास से मापकर 500 बास पाया। तब उसने दक्षिणी अलंग को मापने के बाद से मापकर 500 बास का पाया और पश्चिमी अलंग को मुड़कर उसने मापने के बाद से मापकर उसे 500 बास का पाया। उसने उस स्थान की चारों अलंगें मापी और उसकी चारों ओर एक भीत थी। वह 500 बास लंबी और 500 बास चौड़ी थी, इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करें।